गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू जी के टूडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस GS MCQs की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है ऑल अबाउट राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो ये छोटी सी डायनेस्टी है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर हैं या फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसे हुआ करता था। राष्ट्रकूटास के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी थियरी की बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले इसके फाउंडर कौन है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, तो ये हैं दंती दुर्ग। ठीक है, और बिफोर दिस राष्ट्रकूटास का टाइमलाइन क्या है, 752 से लेकर 973। इसमें भी जो दंती दुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी कैपिटल को फिक्स कर दिया था मालखेड़ में, इनका टाइमलाइन है 752 से लेकर 756 तक। ठीक है, ये जो मालखेड़ है ये कहाँ पे है, तो ये गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका स्टेट के। और दंती दुर्ग ही फाउंडर हैं राष्ट्रकूटा किंगडम के। और ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर्स में आते हैं गोविंदा थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल, और इनका टाइमलाइन है 793 से लेकर 814 तक। इसके बाद एक और लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ये हैं अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष का टाइम एरा है 814 से लेकर 878 तक का। और अमोघ वर्ष ने लगभग 64 ईयर्स तक रूल किया था, और ये एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे जिन्होंने एक किताब लिखी है, और ये किताब एग्जाम में कई बार पूछी गई है, जिसका नाम है कवि राजमार्ग। ठीक है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्नाडा बुक है पोइटिक्स के ऊपर। फाइन, और जो फेमस रॉक कट टेम्पल है कैलाश का एट एल्लोरा, इसको बिल्ड किया था वन ऑफ द राष्ट्रकूटा किंग्स कृष्णा फर्स्ट ने। फाइन, तो क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो थोड़ी सी बात हो गई है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में, और चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें और भी चीज़ें जो बच गई हैं उनको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटास आर बिलीव्ड टू बी द फ्यूडेटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राष्ट्रकूटास को अज्यूम किया गया कि फ्यूडेटरी हैं चालुक्यास के, और ये राइज होते हैं पावर में डेक्कन साइड में बिटवीन 753 एंड 975 CE। और राष्ट्रकूटा का मतलब ही क्या होता है, चीफ ऑफ अ राष्ट्र। ठीक है, तो याद रखिएगा ये माने जाते हैं चालुक्यास के फ्यूडेटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास, इनकी कैपिटल क्या थी, तो इनकी कैपिटल मानखेड़ा या फिर आप मान्या खेता भी कह सकते हैं। और नॉर्थ साथ ही साउथ में इनकी स्पेक्टैक्युलर मिलिट्री प्रेजेंट होती है। फाइन, तो राष्ट्रकूटास की कैपिटल है मान्या खेता, या फिर आप मालखेड़ इसको बोल सकते हैं। द राष्ट्रकूटास वर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। राष्ट्रकूटास की लड़ाई किससे होती थी, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ विंगी, पलवाज ऑफ कांची, पंड्यास ऑफ मदुरई। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो जो इंपीरियल राष्ट्रकूटास की फैमिली है वो क्लेम करते थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो डिसेंडेंट हैं यादव फैमिली ऑफ महाभारत टाइम के, और राष्ट्रकूटास की कॉन्स्टेंटली लड़ाई होती रहती थी चालुक्यास के साथ जो ईस्टर्न साइड होते थे वेंगी में, पलवाज ऑफ कांची और पंड्यास ऑफ मदुरई, तीनों ही बिल्कुल ठीक हैं 1, 2 एंड 3। द राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा रूल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, इनका एरा कब से कब तक रहता है। तो राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्ग ने रूल किया था फ्रॉम 733 टू 756 CE, और ये माने जाते हैं फ्यूडेटरी चालुक्या किंग के। ठीक है, कौन से चालुक्या किंग, कीर्ति वर्मन सेकेंड। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रकूटा किंगडम को फाउंड किया था, और नॉर्दर्न रीजन्स में चालुक्या एम्पायर से बाद में कंट्रोल लेके इन्होंने इस डायनेस्टी को यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड द राष्ट्रकूटा किंगडम, अभी जस्ट हमने बात की कि राष्ट्रकूटा किंगडम को फाउंड किया था दंती दुर्गा ने, और इनका एरा रहता है 733 से लेके 756 CE तक लगभग, और ये फ्यूडेटरी हैं कीर्ति वर्मन टू के। साथ ही ये थ्रोन पे आते हैं 733 CE में आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, किससे, चालुक्या के एम्पायर से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हेल्प पल्लवा किंग नंदीवर्मन टू रीगेन कांची फ्रॉम द चालुक्यास, इसमें से कौन से राजा हैं जिन्होंने पल्लवा के किंग नंदीवर्मन को हेल्प किया था कांची वाले एरिया को रीगेन करने में फ्रॉम द चालुक्यास। तो ये हैं दंती दुर्गा, जो कि फाउंडर हैं राष्ट्रकूटा किंगडम के। याद रखिएगा जो पल्लवा के किंग नंदीवर्मन हैं ये इनके फादर इन लॉ थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये अपने फादर इन लॉ को सपोर्ट करेंगे, और इन्होंने फिर इनको हेल्प किया था कांची को रीगेन करने में फ्रॉम द चालुक्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वॉज डिफीटेड बाय दंती दुर्गा, दंती दुर्गा ने किन किन रूलर्स को हराया है, गुज्जर्स ऑफ मालवा, रूलर्स ऑफ कलिंगा, रूलर्स ऑफ कोसाला, रूलर्स ऑफ श्री साइलाम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो राष्ट्रकूटा किंगडम, जैसा कि हमने बात करी 753 CE के लगभग,
अराइज होती है। और दंती दुर्गा एक अकम्प्लिश्ड रूलर हैं और इन्होंने बहुत सारे किंगडम को हराया था, लाइक गुजरट्स ऑफ मलवास, रूलर्स ऑफ कलिंगा, रूलर्स ऑफ कोसाला एंड रूलर्स ऑफ श्रीसैलम। सारे ही बिल्कुल ठीक हैं, 1, 2, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सक्सीडेड दंती दुर्गा, दंती दुर्गा को कौन सक्सीड करता है तुरंत बाद? तो अकॉर्डिंग टू द कॉपर प्लेट ग्रैंड ऑफ एम्परर गोविंदा III, इसे हमें ये पता चलता है कि कृष्णा फर्स्ट जो हैं ये थ्रोन पे आते हैं आफ्टर दंती दुर्गा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ब्रॉट मेजर पोर्शंस ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड कोंकण अंडर द राष्ट्रकूटा किंगडम? तो कृष्णा वन है ये जिन्होंने राष्ट्रकूटा किंगडम को रूल किया था फ्रॉम 756 AD टू 774 AD, और इन्होंने राष्ट्रकूटा एम्पायर को एक्सटेंड किया था काफ़ी ज़्यादा, और जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है उसका मेजर पोर्शन इन्होंने अपने एम्पायर में लिया था, और ये फाइनल ब्लो देते हैं पलवास को। ठीक है, द मैग्निफिशेंट रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो जो मैग्निफिशेंट रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा में, ये सिचुएटेड है नियर प्रेजेंट डे औरंगाबाद महाराष्ट्र, इसको बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा फर्स्ट। ठीक है, और ये टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सक्सीडेड किंग कृष्णा फर्स्ट, इनको कौन सक्सीड करता है फिर? तो इनको सक्सीड करते हैं किंग ध्रुव, और ये रूल करते हैं किंगडम को 780 AD से लेके 793 AD तक। ठीक है, ध्रुव वन ऑफ द नोटेबल रूलर्स हैं राष्ट्रकूटा एम्पायर के, और इनके टाइम पे जो राष्ट्रकूटा किंगडम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, और जो भी कावेरी रिवर और सेंट्रल इंडिया के बीच का पोर्शन है वो सब इनके कंट्रोल में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वर डिफीटेड बाय किंग ध्रुवा? किंग ध्रुव ने किसको किसको हराया था? नागभट्ट II, धर्मपाल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। तो ध्रुव के टाइम एरा पे राष्ट्रकूटा किंगडम काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होती है, और जितने भी आसपास की टेरिटरीज होती हैं बिटवीन द कावेरी रिवर एंड सेंट्रल इंडिया वो सब ही अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और इन्होंने सक्सेसफुल एक्सपेडिशन किया था कन्नौज साइड पे, और यहाँ पे इन्होंने किंग नागभट्ट II को हराया था, साथ ही इन्होंने पालाज ऑफ बंगाल धर्मपाल को भी हराया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ नाम II। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ब्रॉट द ईस्टर्न चालुक्यास एंड गंगाज ऑफ तलाकड़ अंडर द कंट्रोल ऑफ राष्ट्रकूटा किंगडम? तो फिर से ये कौन है? किंग ध्रुव, और इन्होंने थ्रोन को असेंट किया था गोविंदा II के बाद, और बहुत सारे इन्होंने सक्सेसफुल एक्सपेडिशन किए थे जैसा कि हमने बात करी। इन्होंने ईस्टर्न चालुक्यास और गंगाज ऑफ तलाकड़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स द राष्ट्रकूटा एम्पायर बिकेम अ पैन इंडिया पावर? तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रूल करती है साउथ इंडिया में फ्रॉम 8th to 10th century CE, और राष्ट्रकूटा किंगडम की राइज है वो स्टार्ट होती है जब इसके फाउंडर दंती दुर्गा जो हैं वो किंग कीर्तिवर्मन II को हराते हैं 753 CE में, और राष्ट्रकूटास जो हैं वो एक पैन इंडिया पावर के तौर पे सामने आते हैं ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग ध्रुव। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा किंग ध्रुव। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सक्सीडेड राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव, इसके बाद कौन से राजा आते हैं? तो ये हैं गोविंदा III। गोविंदा III रूल करते हैं राष्ट्रकूटा किंगडम को फ्रॉम 793 AD टू 814 AD। ये बेटे और सक्सेसर हैं किंग ध्रुव के, और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एम्परर हैं इस डायनेस्टी के जिन्होंने राष्ट्रकूटा किंगडम को एक अलग हाइट तक पहुँचा दिया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रिसीव 2 स्टैचूज एज एन एक्ट ऑफ सबमिशन फ्रॉम द किंग ऑफ सेलॉन? किंग ऑफ सेलॉन से कौन से राजा हैं इसमें से जिन्होंने 2 स्टैचू को रिसीव किया था एज एन एक्ट ऑफ सबमिशन? तो ये हैं गोविंद III। ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रकूटा एम्पायर है वो धीरे धीरे करके केप कॉमरिन से लेके कन्नौज तक फैलने लगती है और बनारस से लेके भरूच तक, और उन्होंने 2 स्टैचूज रिसीव किए थे फ्रॉम द किंग ऑफ सेलॉन एज एन एक्ट ऑफ सबमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स सक्सीडेड द किंग गोविंदा III? गोविंदा III को कौन सक्सीड करता है? तो ये हैं अमोघवर्ष I, और ये रूल करते हैं राष्ट्रकूटा एम्पायर को 814 AD से लेके 878 AD तक, लगभग टाइमलाइन है ये, और ये सक्सेसर हैं किंग गोविंदा III के, और ये कंसीडर किए जाते हैं एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, साथ ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा किंग मेड अ न्यू कैपिटल सिटी मान्याखेता? ये नई कैपिटल सिटी कौन बना देता है? तो अमोघवर्ष I हैं ये, जो कि एक ग्रेटेस्ट रूलर हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। इन्होंने रूल किया था फॉर अराउंड 64 years, और ये जो है राष्ट्रकूटा कैपिटल को मयूर खंडी इन बिदार डिस्ट्रिक्ट से मान्याखेता की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। मान्याखेता गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में है इन द मॉडर्न कर्नाटका स्टेट। फाइन,
विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स एडॉप्टेड द टाइटल विनर आयना? तो ये टाइटल मिलता है अमोघवर्ष फर्स्ट को, जो कि सन है गोविंद थ्री के, और इन्होंने हराया था ईस्टर्न चालुक्यास को एट विंगावली, और तभी इनको ये टाइटल मिला था विरना रायना का. ठीक है, तो ये टाइटल है अमोघवर्ष फर्स्ट के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रोड कवि राजमार्ग? कवि राजमार्ग किसने लिखी है? तो ये बुक है अमोघवर्ष फर्स्ट की. इन्होंने थ्रोन को असेंड किया था 815 AD में एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, और गोविंद थ्री की डेथ के बाद, जो कि इनके फादर होते हैं. साथ ही एक अकम्पलिश्ड पोइट और स्कॉलर हैं. इन्होंने कवि राजमार्ग लिखी थी, जो कि अर्लीस्ट एक्सटेंट लिटरेरी वर्क है कन्नाडा में. ठीक है, तो ये हो गई हमारी राष्ट्रकूटा किंगडम, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस किंगडम के बारे में. कल हम नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, और बस दो तीन डायनेस्टी रह गई हैं, और उसके बाद हमारा एंशियंट हिस्ट्री पूरे तरीके से फिनिश हो चुका है. ऑलमोस्ट 95% ऑफ द सिलेबस हमने कवर कर लिया है. थोड़ा सा बस और रह गया है, जो कि दो तीन लेक्चर में हम कवर कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे. ठीक है, तो कल ज़रूर आइएगा लेक्चर अटेंड करने. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zatsana signing off.